नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। निजी स्कूलों की तुलना में भले ही नागपुर महानगर पालिका स्कूलों के छात्रों को कमजोर माना जाता रहा हो, लेकिन लगातार यह तस्वीर बदलती जा रही है। हाल ही में 12वीं के परिणामों के बाद अब 10वीं बोर्ड के परिणामों ने इस पर मोहर लगा दी है। शुक्रवार को घोषित परिणामों में विशेष रूप से मनपा स्कूलों का परिणाम 99.31% रहा। आलम यह रहा कि मनपा की 22 स्कूलों का परिणाम 100% रहा। 10वीं परिणामों में मनपा स्कूलों का नाम रोशन करने वाले सभी छात्रों का प्रशासन की ओर से सत्कार किया गया। उल्लेखनीय है कि मनपा की सभी स्कूलों में प्रगति मेश्राम ने 92.60% अंक हासिल कर पहला स्थान हासिल किया है। 10वीं बोर्ड के घोषित परिणामों में मनपा अंतर्गत संचालित उर्दू माध्यम के स्कूलों का परिणाम 99.77% रहा। इसके बाद दूसरे नंबर पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का 99.31% परीक्षा फल रहा, जबकि तीसरे नंबर पर हिंदी माध्यम के स्कूलों का परिणाम 98.45% रहा। बताया जाता है कि लंबे समय बाद ही सही, लेकिन मनपा की अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अथक परिश्रम के बाद यहाँ का परिणाम सराहनीय रहा है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली गई 10वीं बोर्ड का परिणाम शुक्रवार दोपहर 1 बजे घोषित किया गया। हालांकि महाराष्ट्र बोर्ड ने कोरोना महामारी की वजह से होम सेंटर और अतिरिक्त समय जैसी सहूलियत दी थी, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस में कम पड़ने की वजह से परिणाम पर भी असर दिखाई दिया। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी। परिणाम में पंडित बच्छराज व्यास स्कूल की छात्रा प्राजक्ता भूड़े ने सर्वाधिक 98.8% अंक हासिल किए। वही BRA मुंडले स्कूल की केतकी वानखेड़े 99%, टाटा पारसी स्कूल की शिरावनी कुकड़े 98.6%, सोमलवर हाईस्कूल रामदासपेट की अंतरा कवटकर को 98.8%, वेदिका सूटे को 98.6% अंक मिले। पंडित बच्छराज व्यास विद्यालय की ही अनन्या शेलके ने 98.4% अंक हासिल किए। जायाबाई चौधरी स्कूल की वैष्णवी शिरपुरकर को 98.2 और माउंट कार्मेल स्कूल की गौरी जायसवाल को 97.8% अंक मिले। मुकबधिर वर्ग में शंकरनगर स्कूल की सोनिया देशमुख को 94.60%, आंचल खड़से को 93.60 और नाइट स्कूल वर्ग में रोशनी कुकड़े को 74% अंक मिले। मनपा में एवजदार के रूप में कार्यरत सफाई कर्मचारी का जोनल कार्यालय में तबादला होने के बावजूद लाइब्रेरी विभाग में उपस्थिति दर्ज कर सफाई कर्मचारी द्वारा वेतन का भुगतान प्राप्त किए जाने का मामला उजागर हुआ। यहां तक कि लाइब्रेरी विभाग में उपस्थिति दर्शाने के लिए हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर इसे भुगतान के लिए प्रेषित किया, जबकि यह हस्ताक्षर बोगस होने का हवाला देते हुए अब लाइब्रेरी विभाग प्रमुख तथा शिक्षणाधिकारी मिश्री कोटकर ने संपूर्ण मामले में घन कचरा व्यवस्थापन विभाग उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के अनुसार अब मामले में एवजदार द्वारा धांधली किए जाने का खुलासा होते ही अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी के आदेशों के अनुसार निलंबित किया गया। उपायुक्त को भेजे गए पत्र में मिश्री कोटकर ने कहा था कि स्वास्थ्य विभाग ने काम के लगातार बढ़ते बोझ को देखते हुए अन्य विभाग में कार्यरत एवजदार कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में वापस लौटने के आदेश दिए थे। इस आदेश के अनुसार लाइब्रेरी विभाग के केशव प्रसाद अवस्थी, अध्ययन कक्ष में कार्यरत एवजदार सुनील जाधव को 28 मई 2015 को दंतोली जोन कार्यालय में वापस भेजा गया था। यहां तक कि अध्ययन कक्ष का चार्ज लाइब्रेरी विभाग के कर्मचारी रत्नाकर वाहने को सौंपा गया था। शुक्रवार को धर्मपेट जोन अंतर्गत गांधीनगर में स्थित मेसर्स आई लॉरेंस हुक्का पार्लर में उस समय कुछ देर के लिए खलबली मच गई, जब अचानक मनपा का उपद्रव शोध दस्ता कार्रवाई के लिए वहां पहुंच गया। उल्लेखनीय है कि हुक्का पार्लर के मालिक अभिषेक जैन ने पार्लर के संचालन के लिए आवश्यक NMC ट्रेड NOC नहीं ली थी। हालांकि मनपा का दस्ता यहां होने वाली गंदगी को लेकर मिली शिकायत के संदर्भ में कार्रवाई के लिए पहुंचा था। जांच के दौरान प्रतिष्ठान के पास गंदगी निपटारे के लिए डिसल्टिंग चेंबर नहीं होने का मामला उजागर हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि मनपा से NOC भी नहीं ली है, यहां तक कि कचरा संकलन के लिए प्रतिष्ठान ने शुल्क भी नहीं भरा था। कई तरह की खामियां होने के कारण दस्ते ने इसकी सूचना सहायक आयुक्त को दी। जोन के सहायक आयुक्त के निर्देशों के अनुसार दस्ते ने प्रतिष्ठान पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाकर शुल्क वसूल किया। एक और जहां मनपा ने हुक्का पार्लर पर छापामारी कर कार्रवाई की, वही धर्मपेट जोन में ही दस्ते ने माधवनगर में निशिगंधा बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई की और जुर्माना वसूला। कोरोना संक्रमण अब तेज होने लगा है। जिले में 61 नए संक्रमित मिलने से अब प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। बारिश के शुरू होते ही संक्रमितों की संख्या बढ़ना अलर्ट रहने के संकेत दे रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर जिले में कुल 2,641 नमूनों की जांच की गई। इनमें सिटी में 34, ग्रामीण में 26 संक्रमित मिले।
हालांकि अब भी अस्पताल में केवल 3 ही लोग भर्ती हैं। इसके बावजूद सावधानी बरतना आवश्यक हो गया है। फिलहाल जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 296 तक पहुंच गई है। इस बीच 43 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए। पिछले 2 साल में कई छात्रों और छात्राओं का कोरोना महामारी के कारण शिक्षा में नुकसान हुआ और इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। संबंधित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों से समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों की तलाश करें और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए उनमें शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करें। संभागायुक्त डॉक्टर माधवी खोड़े चौरे ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी मशीनरी भी इस उद्देश्य के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करे। वे शुक्रवार को विभागीय आयुक्तालय के हॉल में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट और अपेक्षा होमियो सोसाइटी गुरुकुंज मोजरी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक संभाग स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के अवसर पर बोल रही थी। सम्मेलन में शिक्षा क्षेत्र लेकर पोस्ट कोविड-19 स्थिति पर बातचीत की गई। डॉक्टर खोड़े चौरे ने आगे कहा कि बच्चों को उनके अधिकार के अनुसार भोजन, आश्रय और कपड़े, पौष्टिक आहार और अन्य सुविधाएं मिलना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें बाल श्रम और शोषण से बचाना भी बेहद जरूरी है। पिछले 2 साल में स्कूल बंद रहने के कारण गरीब परिवारों के शैक्षिक बच्चों को महामारी के कारण बहुत नुकसान हुआ। चूंकि बच्चों को खेत और अन्य श्रम कार्यों में जाना पड़ता था, इसलिए वे पाठ्यक्रम लगभग भूल ही गए। नागपुर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में 25 इको फ्रेंडली मिडी बसें खरीदने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को निदेशकों की बैठक में मंजूरी दी गई है। इससे पहले 15 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया गया था। अब 25 और बसें बेड़े में जुड़ेंगी। निदेशक मंडल ने 35 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 75 स्थानों पर साइकिल स्टैंड स्थापित करने और विज्ञापनों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कोरोना काल में नागपुर शहर में साइकिल का उपयोग बढ़ गया है और लोग स्वास्थ्य के साथ साथ काम पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग कर रहे हैं। उनके लिए एक साइकिल स्टैंड स्थापित करने का निर्णय नागपुर स्मार्ट सिटी द्वारा लिया गया है। इस पर 1.39 करोड़ का खर्च होने की संभावना है, स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिन्मय गोतमारे ने कहा। नागपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर के सौंदर्यीकरण पर जोर दिया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत 2 उद्यानों का सौंदर्यीकरण किया जाना है। मातंग समुदाय के सदस्य एवं औरंगाबाद के युवक मनोज शेषराव आवाड़ को गांव में विवाद के बीच गांव के स्थानीय गुंडों ने लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडे से उसे पीट पीट कर मार डाला। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में उठाया जाना चाहिए। साथ ही समाज कल्याण विभाग और सरकार की ओर से मृतक मनोज आवाड़ के परिवार को तुरंत 10 लाख रुपए प्रदान किए जाने चाहिए और एक परिजन को सरकारी नौकरी देना चाहिए। अनुसूचित जातियों में आरक्षण अ ब क ड के अनुसार अलग आरक्षण दिया जाना चाहिए। बीड जिले के मातंग समुदाय गन्ना तोड़ने वाले कामगार की हत्या के मामले में आरोपियों को फांसी पर लटकाया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। साहित्य रत्न अन्ना भाऊ विकास महामंडल को तत्काल शुरू किया जाए और विकास मंडल में इसका पिछला ऋण बिना जमानत के दिया जाए और अविकसित मातंग समुदाय का विकास किया जाए। कोरोना काल में भुखमरी सहन करने वाले मातंग समाज के बैंड वालों के कल्याण के लिए प्रशासन की ओर से हर महीने उन्हें 5,000 रुपये मानधन दिया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष वसीम लाला के मार्गदर्शन में तथा राकापा ऑटो रिक्शा संगठन के अध्यक्ष अब्दुल शाहिद के नेतृत्व में नागपुर शहर के ऑटो चालकों के प्रति पुलिस यातायात विभाग की ओर से चालान काटना और मनमानी की समस्या का जिक्र राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से किया गया। बढ़ते पेट्रोल के दामों और महंगाई को मद्देनजर रखते हुए चालान का दर 500 रुपये से कम करके 100 रुपये करने की मांग प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों द्वारा की गई। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऑटो चालकों एवं उनके परिवारों के समक्ष भीषण आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस अवसर पर राकापा शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे भी उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोर्बेवैक्स टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। शुक्रवार को कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हुए, जिसमें हिंगना की स्थानीय शाला स्वर्गीय देवकीबाई बंग इंग्लिश मीडियम स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा एवं शाला की वृषाली विलास वानखेड़े ने 95.80% अंकों के साथ हिंगना तालुका में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
समीक्षा सुनील गजभिये व संजना प्रवीण आदमने ये दोनों छात्राएं 94.80% अंकों के साथ द्वितीय स्थान एवं आर्या दिलीप कुमार रेवतकर ने 94.40% के साथ तृतीय स्थान पर रही। युति हुमने 94%, निकिता बारेवार 93%, प्रियंका येलुरे 92.80%, रश्मि ठोमरे 91.80%, श्रावणी खोड़े 91.40%, ऋतुजा तामगाड़गे 91.20%, वेदांती भिवापुरे 91.20%, केशरी चर्जन 91.20%, पूजा कावले 91%, नवनीत प्रधान 90.80%, रिया पांडे 90.20%, सृष्टि भंडारकर 90%, नंदिनी भोयर 90% अंकों के साथ कुल 17 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया। शाला के छात्रों ने पिछले 11 वर्षों से SSC परीक्षा में स्कूल के 100% परिणाम की परंपरा को बनाए रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जारी ईडी जांच को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक, पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले के निर्देश से नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज बन गए हैं। राहुल गांधी ने जनता के मुद्दों को उठाकर लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी सरकार को यह रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस इस तरह के बदले की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। केंद्र सरकार के इशारे पर राहुल गांधी के खिलाफ शुरू ईडी जांच को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नजर आया। प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे, विधायक एडवोकेट अभिजीत बंजारी, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र मुलक, सोशल मीडिया अध्यक्ष विशाल मुत्तेमवार, उद्योग व व्यापार सेल के राज्य अध्यक्ष अतुल कुटेचा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली गाड़ी संख्या 22647, 22648 कोरबा कोच्चुवेली कोरबा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा गाड़ी संख्या 22647 कोरबा कोच्चुवेली एक्सप्रेस में 18 एवं 22 जून 2022 को तथा गाड़ी संख्या 22648 कोच्चुवेली कोरबा एक्सप्रेस में दिनांक 23 एवं 27 जून 2022 तक उपलब्ध रहेगी। इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे। हाल ही में महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया सिख वेलफेयर फोरम की वार्षिक आम सभा अध्यक्ष मनोहर सिंह नागी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें फोरम के नए पदाधिकारियों व कार्यकारिणी मंडल का चुनाव किया गया। सभा के दौरान फोरम के संस्थापक अध्यक्ष बलबीर सिंह रेणु भी उपस्थित थे। सभा में रामगढ़िया फोरम के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर परमजीत सिंह वाड़े व सचिव पद पर बलजीत सिंह विरदी का चयन किया तथा अध्यक्ष के पद पर मनोहर सिंह नागी चुने गए। उपाध्यक्षों में बलबीर सिंह सग्गू, तेजिंदर सिंह सग्गू, सतपाल सिंह दड़ियाला व जसबीर सिंह विरदी, कोषाध्यक्ष जसविंदर सिंह सोन, सह कोषाध्यक्ष मलकीत सिंह भुल्लर, सहसचिव तेजिंदर सिंह रेणु, वजीर सिंह सद्दल, अनूप सिंह विरदी व हरदीप सिंह भुर्जी का चयन किया गया। इसी प्रकार कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में दिलावर सिंह ढिल्लो, सतवंत सिंह मथारू, सतनाम सिंह सोखी, देविंदर सिंह ढिल्लो, लखबीर सिंह घट्टारोड़े, मेहताब सिंह ढिल्लो, अमरजीत सिंह सोनपाल, मंजीत सिंह सिद्धू का समावेश है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वाणिज्य विभाग द्वारा 67वां रेल सप्ताह समारोह बिलासपुर मुख्यालय स्थित सभागार में पूरी गरिमा के साथ मनाया गया। प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक स्तर पर वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित इस रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह में मुख्यालय एवं तीनों मंडलों बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर के वाणिज्य विभाग में कार्यरत उत्कृष्ट कर्मचारियों को प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक एन श्री कुमार द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले उपरोक्त तीनों मंडल के वाणिज्य विभाग के कुल 40 कर्मचारियों सहित 10 ग्रुप अवार्ड प्रदान किए गए, जिसमें नागपुर मंडल के 10 वाणिज्य विभाग के कर्मी शामिल है। बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर सहित वाणिज्य विभाग मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति में सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वाणिज्य विभाग के कई कर्मचारी अपनी कर्तव्य निष्ठा में कार्य करते हुए अभूतपूर्व प्रदर्शन किए हैं, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया।
प्रधान मुख्य वाणिज्य विभाग के द्वारा आयोजित 67वां रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह के दौरान अजय शंकर झा, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक यात्री सेवा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नागपुर रविश कुमार सिंह सहित बिलासपुर रायपुर मंडल तथा मुख्यालय के वाणिज्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। सबको शिक्षा के अधिकार अंतर्गत प्रवेश देने हेतु यूआरसी 1 की 3 फेरी की सवाल ली गई। प्रकाश लेदे उप शिक्षण अधिकारी ने वेरिफिकेशन कमेटी का प्रभार संभाला और सभा की अध्यक्षता की, जिसमें आरटीए एक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद शरीफ, केंद्र प्रमुख हीरामन कुमरेन वाघड़े, मनीषा सोनटक्के, आरिफ शेख, आबिद शेख थोटे, मेघराज फुलके, सचिन हाड़के, सचिन डाखरे सदस्यों द्वारा स्वागत कर दस्तावेजों की जाँच की गई। कुल 272 लॉटरी में से 94 आवेदनों की जांच हुई, जिसमें 71 पात्र पाए गए और 14 आवेदन ई महासेवा ऑनलाइन में दर्शाए नहीं गए हैं। इस संदर्भ में सोमवार को समिति जिलाधिकारी कार्यालय के जाति सेतु केंद्र से प्रमाणित कर आवेदनों को स्वीकृति देगी। पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक कृष्णा खोपड़े के मार्गदर्शन पर सूर्यनगर वुमेन गार्डन में राजमाता जीजाबाई शाहजी भोसले की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा की पूजन कर माल्यार्पण किया गया। पूर्व नगर सेवक प्रदीप पोहाने, मनोज अग्रवाल, पूर्व नगर सेवक हितेश जोशी ने राजमाता का पूजन कर नमन किया। इस अवसर पर संदीप दखनकर, अशोक बाहेती, रेखा रायकवाड़ ने भी जीजामाता का पूजन कर हनन किया। विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल की ओर से आचार्य सुधांशु महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा एवं भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन आज 18 जून और कल 19 जून को कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह रेशिमबाग मैदान में होगा। महामंत्री दिलीप मुरारका ने बताया कि आज गुरुदेव का दिल्ली से नागपुर विमानतल पर दोपहर को आगमन होगा। तत्पश्चात दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक विशेष भक्ति सत्संग होगा। दूसरे दिन 19 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक गुरुदर्शन, पाद्य पूजन तथा गुरुवर द्वारा विशेष आशीर्वचन सभी गुरु भाई बहनों को प्राप्त होगा। सभागृह में तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया जाएगा। आयोजन की सफलता के लिए मिशन के सभी पदाधिकारी, महिला समिति, युवा क्रांति दल, गुरु भक्त परिवार तथा सभी कार्यकर्तागण तन मन धन से प्रयासरत है। धरती पर असंतुलित हो रहे वातावरण को देखते हुए पर्यावरण संबंधी सावधानियां बरतने की जनजागृति करने के उद्देश्य से दीपक एजेंसीज के संचालक दीपक लालवानी तथा जयश्री ट्रेडर्स की संचालिका सोनल लालवानी द्वारा सेव प्लेनेट संदेश रथ का निर्माण किया गया है। यह रथ शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण करेगा। इस रथ के माध्यम से जनजागृति के बाद जन सहयोग से ही अनेक प्रकार की सफलताएँ मिल सकती है। सेव प्लैनेट संदेश रथ पर सेव वाटर, सेव एनर्जी, सेव फॉरेस्ट, सेव वाइल्ड लाइफ, स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, कीप अर्थ प्लास्टिक फ्री, यूज सोलर एनर्जी, कंट्रोल पॉपुलेशन, यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कंट्रोल साउंड पोल्यूशन तथा रिड्यूस इंडस्ट्रियल एंड व्हीक्यूलर पोल्यूशन जैसे संदेश प्रदर्शित किए गए हैं। लालवानी दंपत्ति लगातार पिछले 20 वर्षों से नागपुर शहर में अनेक जनहित जागरूकता लाने हेतु सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इसके पूर्व भी जनहितकारी कार्य हेतु भैरव सिंह शेखावत, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, भगत सिंह कोश्यारी, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज पाटिल, डॉक्टर हर्षवर्धन, अशोक गहलोत ने लालवानी दंपत्ति की सराहना कर शुभकामनाएं दी है। पारशिवनी स्थित उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय खेती संबंधित मामलों का समाधान करता है, पर यहाँ का कार्यालय इन कार्यों में विलंब के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से ही यहाँ आने वाले लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तत्काल विश्लेषण एवं साधारण मामलों को भी दिन ब दिन प्रलंबित रखे जाते हैं, जिससे समय पर काम न होने से कई लोगों का नुकसान होता है। पर यहाँ का कार्यालय एक ही रट लगाए बैठा है कि कर्मचारियों की कमी से कामों में विलंब हो रहा है। जल्द करने वाले कार्यों को निपटाने के लिए सामान्य से 3 से 4 गुना अधिक रकम फीस के तौर पर शासन को देना पड़ता है, पर इतना होने के बावजूद भी नियमानुसार तत्काल गिनती के लिए 15 दिन का समय लिया जाता है। कई मामलों में इससे भी महीना, 2 महीना या उससे भी ज़्यादा समय इन मामलों को निपटने में विलंब कार्यालय की ओर से किया जाता है। अतः इस समस्या का हल करने हेतु अखिल भारतीय ग्राहक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय अधिकारियों से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।